हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अल्फा स्टडी चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, एनसीईआरटी का सारे चैप्टर वन बाय वन कवर कर रहे हैं। आज छठा चैप्टर होगा जैव परक्रम, इसके सारे सवालों को देखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। और प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक है दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड है ना दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में अभिक्रिया करके, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में दोस्तों अभिक्रिया करके ग्लूकोज का निर्माण करता है ना दोस्तों, C6H12O6 और ऑक्सीजन और जल का निर्माण करता है दोस्तों। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? तो ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। दोस्तों, स्वपोषी पोषण के लिए, स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं दोस्तों? स्वपोषी पोषण पोषण करने का वह तरीका है जिसमें वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल से अपना भोजन खुद तैयार करता है, उसे स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो इनमें से सारे इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों। एक होता है स्वपोषी पोषण, एक विषमपोषी पोषण। अब विषमपोषी पोषण में दोस्तों भी तीन भाग में बांटा है। विषमपोषी में प्राणी पोषण, मृत जीवी पोषण और परजीवी पोषण। तो आगे इसका डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो इसके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो दोस्तों, कोशिका द्वारा जो ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है दोस्तों, वो ग्लूकोज का होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? याद रखिएगा दोस्तों, किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ग्लूकोज के लिए। जैसे दोस्तों हम कुछ खाते हैं तो वो हमारे शरीर में ग्लूकोज के रूप में ही तोड़ दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, परकुचन दाब तथा अनुशीतलन दाब होता है। तो दोस्तों, परकुचन दाब क्या होता है दोस्तों? ये धमनी में होता है और अनुशीतलन दाब जो होता है दोस्तों, ये शिरा में होता है। परकुचन दाब दोस्तों धमनी में 120 mm ऑफ Hg होता है दोस्तों, और जो अनुशीतलन दाब शिरा में 80 mm ऑफ Hg होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 120 बटे 80 mm ऑफ Hg। और दोस्तों, परकुचन दाब जो धमनी में होता है, धमनी का कार्य होता है हृदय से शुद्ध रक्त को सारे कोशिका, शरीर के सारे कोशिका तक पहुंचाना। और अनुशीतलन दाब जो शिरा में होता है दोस्तों, शिरा का काम होता है दोस्तों शरीर के अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुंचाना, सारे कोशिका से, शरीर के सारे भाग से अशुद्ध रक्त को हृदय तक पहुँचाना। और धमनी का क्या कार्य होता है दोस्तों? शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के सारे भाग में पहुँचाना। इसका सही क्या आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? परकुचन दाब तथा अनुशीतलन दाब पूछा है, तो 120 बटे 80 mm ऑफ Hg हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, क्लोरोफिल रंग वर्णक का जो रंग होता है वो हरा होता है, ठीक है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हरा। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, छोटी आंत की दीवारों में पाई जाने वाली ग्रंथियों का स्राव को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं दोस्तों आंत्र रस, ठीक है दोस्तों। इसको याद रखिएगा दोस्तों, छोटी आंत के दीवार में पाए जाने वाली ग्रंथियों का स्राव को आंत्र रस कहते हैं। और दोस्तों, इसका और एक ठो नाम है दोस्तों, सक्कस एंटेरिकस है ना दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा दोस्तों, सक्कस एंटेरिकस है ना दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आंत्र रस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कवक में पोषण का कौन सा विधि होता है? तो दोस्तों, अभी बताया दोस्तों कि जो है पोषण दो प्रकार से होता है, स्वपोषी और विषमपोषी। अब विषमपोषी में भी तीन प्रकार का होता है दोस्तों, विषमपोषी में भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं दोस्तों तीन प्रकार का? पहला होता है दोस्तों प्राणी पोषण, प्राणी पोषण है ना दोस्तों, प्राणी पोषण। दूसरा होता है दोस्तों मृत जीवी पोषण, और तीसरा होता है दोस्तों, ये मृत जीवी पोषण होता है दोस्तों, मृत जीवी पोषण। और तीसरा होता है परजीवी पोषण। तो इनको याद रखने का जरूरत नहीं है दोस्तों, सिर्फ इसका इस तरह पूछता है, कवक में पोषण का कौन सा विधि होता है?
तो कवक में पोषण का जो विधि होता है दोस्तों, ये मृत जीवी से अपना भोजन तैयार करते हैं कवक दोस्तों। कोई शरीर अगर कोई जीव मर जाता है दोस्तों, तो उसके शरीर से सड़े गले कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन तैयार करते हैं कवक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मृतजीवी। कवक जो होता है दोस्तों, अगर कोई जीव मर जाता है तो उसके सड़े गले शरीर से कार्बनिक पदार्थ से अपना भोजन तैयार करता है, तो उसे मृतजीवी कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, कवक का पोषण का विधि जो है ये मृतजीवी से अपना भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस छिद्र द्वारा ग्रसनली से जुड़ा होता है? ठीक है दोस्तों, इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों, किस छिद्र द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों निगल द्वारा जुड़ा होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को जाना जाता है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है दोस्तों, वो यकृत होती है। इसको याद रखिएगा दोस्तों, लीवर होता है, यकृत या लीवर। ठीक है दोस्तों, बात एक ही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। प्रकाश संश्लेषण अंग है, प्रकाश संश्लेषण का अंग इनमें से कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण का अंग पूछेगा तो हरित लवक, और प्रकाश संश्लेषण की इकाई पूछेगा तब क्लोरोफिल। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हरित लवक। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मनुष्य के मुख गुहा में जो है 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 3 जोड़े, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है? तो दोस्तों, पाचन की क्रिया जो पूर्ण होती है वो छोटी आंत में होती है, और पाचन का अंतिम क्रिया जो होता है दोस्तों अवशोषण होता है। तो पाचन की क्रिया जो है वो अंतिम छोटी आंत में पूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो दोस्तों याद रखिएगा, शरीर में जो पाचन होता है उसमें ऑक्सीजन का वृद्धि होता है, और ऑक्सीजन का वृद्धि हुआ तो दोस्तों उपचयन अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उपचयन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दांत अस्थिक्षय का कारण होता है? इस सवाल का जवाब दीजिए दोस्तों। दांत अस्थिक्षय का कारण दोस्तों ऑल ऑफ दीज हो जाएगा दोस्तों। दांत अस्थिक्षय में क्या होता है दोस्तों, अगर आप मीठे चीज़ खाते हैं तो मीठे बैक्टीरिया द्वारा, है ना दोस्तों, शरीर वो दांत के जो है ना दोस्तों, जो मीठे चीज़ खाते हैं तो उसमें दांत के मांसपेशिया में मीठा चीज़ लग जाता है, जिसके कारण वहाँ बैक्टीरिया का निर्माण होता है, और बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करने लगता है। इसी कारण से मीठे चीज़ खाने से भी दांत का क्षय होता है। और हम सब जानते हैं कि अगर 5.5 से अगर कम होने लगा तो दांत का क्षरण होना स्टार्ट हो जाता है। तो मीठे चीज़ खाने से भी हो गया दोस्तों, और दांतों का अगर सफाई नहीं कीजिएगा तो भी बैक्टीरिया का निर्माण होगा, और उसके द्वारा अम्ल का निर्माण करेगा। ठीक है दोस्तों, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल का निर्माण करना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? है ना दोस्तों, तो दांतों की जो सुरक्षा करता है दोस्तों, दांतों के ऊपर जो चमक वाला पदार्थ होता है दोस्तों, वो एनामेल का होता है, और दांत जो बना होता है दोस्तों वो डेंटाइन से बना होता है। है ना दोस्तों, और दांतों के ऊपर जो चमक देखते हैं वो एनामेल का बना होता है, जो कठोर पदार्थ होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनामेल, है ना दोस्तों। जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका एससीएल का स्राव करती है? तो दोस्तों याद रखिएगा दोस्तों, एससीएल का जो स्राव होता है अमाशय से होता है दोस्तों, और अमाशय में होता है जठर ग्रंथि दोस्तों, और जठर ग्रंथि में भित्तीय कोशिका होता है जो एससीएल का स्राव करता है। यहाँ पूछा है कोशिका दोस्तों, तो भित्तीय कोशिका जो है जठर ग्रंथि में होता है, है ना दोस्तों, भित्तीय कोशिका जठर ग्रंथि में होता है, जठर ग्रंथि अमाशय में होता है। तो यहाँ पूछा है दोस्तों, जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका पूछा है, तो दोस्तों भित्तीय कोशिका हो जाएगा। अगर पूछता है दोस्तों कौन सा अंग से होता है, तो अमाशय हो जाएगा दोस्तों, और पूछता किस ग्रंथि से होता है दोस्तों, तो जठर ग्रंथि हो जाता। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमीबा का भोजन है दोस्तों, अमीबा का भोजन जो है सारे करते हैं, जो मनुष्य भोजन करते हैं दोस्तों उसी प्रकार अमीबा का भी भोजन है। तो बैक्टीरिया, एक कोशिकीय तथा शैवाल के टुकड़े, है ना दोस्तों, शैवाल के टुकड़े, है ना दोस्तों, सवाल लिख दिया गलत है दोस्तों, शैवाल के टुकड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस।
है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गृहिणी किसका भाग होता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, गृहिणी जो होता है छोटी आंत का भाग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों छोटी आंत, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, वह जैव परक्रम जिसके द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों जो प्रक्रिया द्वारा शरीर में ऊर्जा बनता है दोस्तों उसे श्वसन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, श्वसन द्वारा ऊर्जा का, ना कि पोषण द्वारा, पोषण गलत हो जाएगा दोस्तों। श्वसन द्वारा शरीर में ऊर्जा का उत्पादन होता है, है ना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, जब शरीर की कोशिका में ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होने पर पाइरूवेट का परिवर्तन जंतुओं में किस यौगिक में होता है? तो दोस्तों क्या होता है कि जब ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होता है शरीर के मांसपेशियों में, कोशिका में ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध होता है, तो वहाँ लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है दोस्तों। और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होने पर दर्द का एहसास होता है दोस्तों, दर्द होने लगता है उस जगह पे दोस्तों। इसका से अगर ऑक्सीजन का नहीं हो पाता अच्छा से उपलब्ध दोस्तों, खिलाड़ी सबको देखिएगा दोस्तों, उनके इसमें अचानक अगर दर्द होता है तो उसमें लैक्टिक अम्ल का जो है निर्माण हो गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो लैक्टिक अम्ल के निर्माण ऑक्सीजन का उपलब्ध नहीं होने पर उस जगह पे लैक्टिक अम्ल का निर्माण हो जाता है, जिससे दर्द होना शुरू हो जाता है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल मत्स्य का मुख्य श्वसन अंग होता है दोस्तों। मत्स्य जो है किसके द्वारा श्वसन करता है दोस्तों? तो मत्स्य जो है, मछली जो है, गिल्स द्वारा श्वसन करता है। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा अंग श्वसन से संबंधित नहीं है? तो याद रखिएगा दोस्तों, जो श्वसन से ये गिल्स, फेफड़ा और ट्रेकिया, ये तीनों दोस्तों श्वसन से संबंधित है, जबकि याकृति श्वसन से संबंधित नहीं है। यहाँ पूछा है नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों याकृत या लीवर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव में श्वसन वर्णक है? तो याद रखिएगा दोस्तों, मानव में जो श्वसन वर्णक होता है वो हीमोग्लोबिन होता है, है ना दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन, मानव में श्वसन वर्णक हीमोग्लोबिन होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, श्वसन क्रिया में मुक्त ऊर्जा किस यौगिक के रूप में होता है? तो दोस्तों श्वसन क्रिया में जो मुक्त ऊर्जा होता है वो ATP के रूप में होता है, और इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। यहाँ लिख देते हैं दोस्तों एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, है ना दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो फॉस्फेट, है ना दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी ATP। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो दोस्तों सभी जीवों के लिए अनिवार्य श्वसन है दोस्तों, सभी जीव श्वसन करते हैं, तो इसके लिए सही आंसर हो जाएगा श्वसन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, श्वसन क्रिया विधि में भोज्य अणु होता है? दोस्तों जो श्वसन करते हैं उसमें भोज्य अणु का क्या होता है दोस्तों? उसका विघटन होता है, याद रखिएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों विघटन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, श्वसन क्रियाविधि का अंतिम उत्पादन कौन सा होता है? तो याद रखिएगा दोस्तों, श्वसन क्रियाविधि का जो अंतिम उत्पादन होता है वो जल और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जल और कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? तो दोस्तों कोशिका झिल्ली जो होता है दोस्तों अर्ध प्रागम्य होता है, और झिल्ली क्या होता है दोस्तों, इसमें किसी विशिष्ट प्रकार का ही कण को पास करने दिया जाता है, बाद बाकी को रोक देता है, तो उसी को झिल्ली बोलते हैं दोस्तों। तो कोशिका झिल्ली में जो है अर्ध परागम्य, ये झिल्ली का ही सारा भाग है, और ये कोशिका झिल्ली अर्ध परागम्य झिल्ली होती है दोस्तों, कोशिका झिल्ली में। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अर्ध परागम्य। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ईंधन कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों याद रखिएगा, खनिज लवण जो होता है वो कोशिका का ईंधन होता है। ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज विटामिन प्रोटीन नहीं होगा दोस्तों, खनिज लवण जो है वो कोशिका का ईंधन होता है, तो सही आंसर हो जाएगा खनिज लवण। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, झींगा जैसे जलीय जंतु का श्वसन किसके द्वारा होता है? दोस्तों मछली और झींगा दोनों का एक ही के द्वारा होता है दोस्तों, गिल्स द्वारा श्वसन करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों गिल्स। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, मनुष्य का किडनी एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है? तो दोस्तों मनुष्य का किडनी जो है श्वसन, पोषण, परिवर्तन, ये तीनों से संबंधित नहीं है दोस्तों। मनुष्य का किडनी जो है उत्सर्जन करता है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? उत्सर्जन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है? तो पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है दोस्तों, बताइए?
ऑक्सीजन का वहन, एमिनो अम्ल का वहन, जल का वहन, भोजन का वहन। याद रखिएगा दोस्तों, पादप में जो जाइलम होता है उसका कार्य होता है जल का वहन करना, ठीक है दोस्तों। भोजन का वहन करना होता है फ्लोएम का काम, फ्लोएम का काम, ठीक है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल का वहन करना, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर, दोस्तों बस यहीं तक ही क्वेश्चन था दोस्तों, सारे क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं दोस्तों। और अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, सारे एनसीईआरटी का ही चैप्टर पूछता है दोस्तों, ग्रुप डी और एनटीपीसी में। सारे हमने 39 सेट बनाया दोस्तों आरआरबी जेई का, जिसमें से सारे जो है क्वेश्चन इसी 10th क्लास के बेसिस पे ही रहता है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं रहता। अगर इन सब का ज्ञान आपको होगा दोस्तों तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद वीडियो।